आज बनाएंगे हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्मदिन पर स्पेशल उनका फेवरेट प्रसाद, वो है धनिये की पंजीरी और चरणामृत का भोग, जिसे हम पंचामृत भी कहते हैं क्योंकि उसमें 5 चीजें जाती हैं। ये बनाना बहुत ही ईजी है और ये बहुत जल्दी बनता है। ये भोग लगभग हर मंदिर हर जगह जन्माष्टमी के मौके पर बनाया जाता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम घर पे कैसे बना सकते हैं। आइए पहले बनाते हैं धनिया पंजीरी। उसके लिए पैन में मैं 1 कप साबुत धनिया लूंगी। इसे अच्छे से साफ कर लिया है और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, मतलब कि ये रोस्ट हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा ये धनिया ठंडा होता है, दूसरी पैन में मैं 1/2 कप ग्रेट किया हुआ कोकोनट लूंगी। ये ड्राई कोकोनट है, इसे हमें बिल्कुल ही लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। तो ये देखिए ये इसका कलर बिल्कुल लाइट गोल्डन हो गया है। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। अब उसी पैन में मैं 1/2 टीस्पून देसी घी लूंगी और उसमें मैंने 10 से 15 ये मखाने लिए हैं जिनको कि मैंने हाफ कर लिया है। इन्हें भी हम क्रिस्पी होने तक मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। इसे लगभग रोस्ट होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये पंजीरी हेल्दी भी बहुत होती है क्योंकि इसमें सारी हेल्दी चीज़ें जाती हैं। तो ये देखिए ये लगभग रोस्ट हो चुके हैं। चेक करने के लिए इसको इस तरह से दबा के देखेंगे और फिर हम इसे कोकोनट वाले बाउल में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे रखेंगे साइड में और उसी पैन में मैं फिर से 1 चम्मच देसी घी लूँगी और उसमें कुछ और ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 10-15 काजू, 10-15 बादाम और थोड़े से वाटरमेलन सीड्स लिए हैं। इनको मैंने चॉप करके डाला है। इसे भी हम लो फ्लेम पे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, लगभग 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। तो ये वाले ड्राई फ्रूट्स भी जो हैं हम उसी बाउल में निकाल लेंगे, तो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स एक ही बाउल में हो जाएंगे। अब जो धनिया हमने रोस्ट किया था वो ठंडा हो चुका है, इसे हम पीस लेंगे। धनिया पंजीरी के लिए कोशिश कीजिए कि फ्रेश धनिया ही पीसे, उससे टेस्ट और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये धनिया जो है हमारा पीस चुका है, इसे हमें थोड़ा सा कोर्स पीसना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो इस तरह से हल्का सा इसे मोटा रखना है। अब एक पैन में मैं 1 चम्मच देसी घी लूँगी और उसमें हम डाल देंगे हमारा ये धनिया। इसको आप चाहें तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, पर इसे भी हम थोड़ा सा भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। वही 2 से 3 मिनट हम इसे रोस्ट करेंगे। ये धनिया जो है बहुत जल्दी जल जाता है, तो अगर आपको लगे आपको फ्लेम लो करनी है तो आप लो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा घी डालने से, फ्राई करने से इसका एरोमा और इसका कलर दोनों ही बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो अब ये रोस्ट हो चुका है, इसे भी मैं ड्राई फ्रूट वाले बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। इसको ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स कर देंगे और फिर थोड़े टाइम के लिए ठंडा होने देंगे। फिर इसमें चीनी मिक्स करेंगे। अगर पहले चीनी मिक्स कर देंगे तो ये गर्म है तो जो चीनी है वो पानी छोड़ देगी। तो ये देखिए अब ये ठंडा हो चुका है, इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप ग्राइंड की हुई शुगर। ये नॉर्मल शुगर को मैंने ग्राइंड किया है। तो ये जो शुगर है इसे मिक्स कर देंगे और फिर जो है हमारी धनिया पंजीरी बनकर रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं और कितने भी दिन चाहें उतने दिन यूज़ कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो रहेगी, वो है तुलसी के पत्ते, क्योंकि ठाकुर जी को किसी भी चीज़ का भोग तुलसी के बिना नहीं लगता है। कुछ लोग इसे काट के भी यूज़ करते हैं, हम लोग साबुत यूज़ करते हैं, तो मैं उसी तरह से ऐड कर रही हूँ। तो तैयार है हमारी टेस्टी सी धनिया पंजीरी। तो इस जन्माष्टमी आप भी इसे घर पर बनाएं। अब हम बनाते हैं पंचामृत। उसके लिए 1 बाउल में मैं 2 टेबल स्पून दही लूँगी और उसे 1 सर्विंग स्पून की हेल्प से इस तरह अच्छे से फेंट लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कच्चा दूध। दूध जो है हमारा गाय का है, जितना दही लिया है उससे डबल हमें दूध लेना है और उतना ही गंगा जल ऐड करना है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स हमारे हो गए हैं, पंचामृत मीन्स 5 चीज़ें। इनको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हनी। तो मैं लगभग 2 टीस्पून हनी ऐड करूंगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून देसी घी। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पंचामृत रेडी है, पर इसमें अभी हम 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे। ये मैंने 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप कोई भी 5 ले सकते हैं, जिसमें 4-5 कटे हुए काजू, 4-5 बादाम, थोड़ा सा सूखा नारियल, किशमिश और थोड़े से मखाने लिए हैं उसी तरह से काट के, और वही इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट कुछ तुलसी के पत्ते। तो अब इन सब चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स। तो ये हमारा पंचामृत भी मिक्स करने के बाद बनकर तैयार है। तो ये दोनों चीज़ें जन्माष्टमी के भोग के लिए हमारी बन गई हैं, जो कि कृष्ण भगवान के जन्मदिन पर हर जगह बनाई जाती हैं। तो इस बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें।
और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।